आज मैं बना रही हूँ आपके साथ बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मैंने बनाई थी लंच में थाली जिसमें मैंने दाल फ्राई प्लेन राइस और साथ ही साथ करदी जो होती है ना बेबी प्रॉन्स आलू की करी और इस तरह से बांगड़ा को फ्राई कर लिया था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो बांगड़े ले लिए थे और उसमें मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है दो हरी मिर्च का मसाला उसमें थोड़ा हरा धनिया सात से आठ किलो लहसन को पीस लिया था साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है डेढ़ चम्मच लाल मिर्ची पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है आधा चम्मच मैंने डाल दिया इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर Order. नमक ऐड कर दिया स्वाद के अनुसार और और ये सारे मसाले को मैं बहुत अच्छे से मिला दूंगी उसमें मैंने नींबू का, तो का कर मैं फ्राई करने वाली हूँ तो चलिए आधा नींबू का रस डाल और ये सारे मसाले को हम अच्छा सा मिक्स दे देंगे तो ये पूरा मसाला हमने अच्छे से मिला देना है देखिए मसाला हमारा यहाँ पर मिल चुका है तो चलिए ये मसाले को हम फिश के ऊपर लगा लेते हैं और ये कट हमने लगा लिया है इस तरह से ये बांगड़ा फिश ली है मैंने और इस तरह से बीच बीच में कट भी मैंने लगा लिए थे अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया था तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ मैंने ये मसाला जो है वो फिश के ऊपर लगा दिया अब आप चाहे तो इसे रवा के साथ भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से बांगड़ा फिश फ्राई की रेसिपी तो तेल मैंने गर्म करने रख दिया जब तेल गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें डाल देंगे ये फिश और फिर एक तरफ से जब ये हो जाएगी तब हम इसे पलटेंगे और ये देखिए एक तरफ से हो गई तब हमने इसे पलटा और दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम इसी तरीके से देखिए बांगड़ा को फ्राई कर लेंगे तो ये दोनों तरफ से अब अच्छी तरीके से देखिए बांगड़ा हमारी फ्राई हो गई है आलू करदी का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आलू ले लिया था उसमें एक प्याज काट के डाल दी थी दस से बारह कड़ी पत्ता डाल दिया था और डेढ़ चम्मच तेल में मैंने अच्छे से देखिए आलू प्याज को भून लिया यहाँ पर और देख सकते हैं आप प्याज के ऊपर हल्का हल्का सुनहरा रंग आ गया उसके साथ साथ आलू भी भुन गए तो ये झटपट मैं बना रही हूँ तो ये भुनने के बाद हमने ये आलू प्याज को उसमें मैं डालूंगी कर दी तो यहाँ पर ये कर दी यानी बेबी प्रॉन्स मैंने ले लिए थे तो ये बेबी प्रॉन्स हमें इसमें डाल देना है अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया था और ये प्रॉन्स डालने के बाद हम फिर से यहाँ पर भुनेंगे क्योंकि जो प्रॉन्स है ना उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज होगा तो उसे हमें अच्छे से मिलाते हुए देखिए इस तरह से भून लेना है ताकि रॉ स्मेल जो होती है ना वो सारी चली जाए ये देखिए इस तरह से पानी जो है इसमें से रिलीज हो जाएगा इस तरह से अगर आप आलू और प्याज को पहले से ही फ्राई कर लेंगे ना तो आलू भी आपके जल्दी गिर जाएंगे वैसे भी फिश भरने में वक्त नहीं लगता है तो ये मसाला मैंने यहाँ पर पीस लिया था जिसमें एक टमाटर दो हरी मिर्च मुठ्ठी भर हरा धनिया और दस से बारह कली लहसन की मैंने डालकर पीस लिया तो ये मसाला हम इसमें डाल देना है तो ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया उसके साथ साथ एक चम्मच ऐड करेंगे एक टी धनिया पाउडर एक टी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार और ये सारे मसाले हम अच्छे से मिला देंगे तो चलिए सारे मसाले को अच्छे से हम मिक्स करते हुए भून लेते हैं तेल रिलीज होने तक हम ये मसाले को भूनेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट जो है वो हमारे बेबी प्रॉन्स करी में आए ये देखें इस तरह से देख सकते हैं आप इसमें से तेल जो है वो रिलीज़ हो गया है और बहुत अच्छे से हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर भून ली है तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे मसाले को भून लिया है आलू भी देख सकते हैं आप अभी हल्के हल्के से ये पकने बाकी है सिर्फ तो चलिए हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा पानी तो लगभग मैंने इसमें ऐड किया है आधा छोटा ग्लास पानी तो ये टोटल मसाले का भी बचा हुआ था वो भी पानी डाल दिया और थोड़ा पानी डाल दिया यानी टोटल मैंने आधा ग्लास इसमें पानी जो है वो डाल दिया ताकि हमारी एकदम मुझे थिक करी चाहिए थी पतली करी नहीं चाहिए थी आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हो तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया और ढककर हमें यहाँ पर रख देना है इसे लगभग छह से, लग से सात मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि आलू जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए छे से सात मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही डिलीशियस हमारी ये बेबी प्रॉन्स आलू करी की रेसिपी भी बनकर रेडी है देखिए आलू भी अच्छे से टेंडर हो गए हैं तो ये आज का हमारा लंच था जिसमें मैंने बनाया बेबी प्रॉन्स करी और साथ ही साथ मैंने बांगड़ा फ्राई और दाल फ्राई भी बनाया था तो दाल फ्राई की रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई थी तो उसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है तो वो रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी देखिए एकदम अच्छी सी दाल फ्राई हमने बनाई है तो ये आप रेसिपी जो वहाँ से चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से उसके बाद प्लेन राइस जो हमने बना लिया था और ये गया प्लेन राइस इसमें और ऊपर से जो हमने बांगड़ा को फ्राई किया था वो तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है आज कुछ समझ में नहीं आया जो रखा हुआ था घर में मैंने इस तरह से बना लिया तो अगर आपको ये आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग अ गुड डे